बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हार्ट टू हार्ट विद आमना। मैं हूं आपकी होस्ट आमना शफीक। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूं, वो मेहनत और लगन का एक अलमी नमूना है। अ मैन विद रिमार्केबल मॉरल येट रिलीजियस प्रिंसिपल्स हु ओन्स अल मुमताज ट्रेडिंग कंपनी विच डील्स इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स। Today, let's hear from him, his inspirational journey of struggle and success. Let's welcome Nadeem Mumtaz. Thank you so much for coming, sir. अच्छा, आप हमें अपने बचपन के बारे में, अपने ब्रॉटअप के बारे में कुछ बताइए। देखें, सही बताएं, सच बताऊं तो बचपन में तो हमें पढ़ाई के हवाले से तो कोई खास शगफ नहीं थी। खेलने कूदने के शौक थे, क्रिकेट भी बहुत खेली, फुटबॉल बहुत खेली, और थोड़े से बड़े हुए जब मैट्रिक लेवल पे गए तो एक्सरसाइज का शौक हुआ, तो बहुत अरसे एक्सरसाइजेज की, बॉडी बिल्डिंग की। शायद ही हमारे शहर का कोई क्लब हो जिसको हमने छोड़ा हो एक्सरसाइज के हवाले से। तो जूडो कराटे एक्सरसाइज का हमेशा से शौक रहा और अभी भी कंटिन्यू रहता। और बाकी मोटरसाइकिलिंग करते थे ज़्यादा, कभी बंदीलिंग भी कर लेते थे। तो बचपन तो हमारा ऐसे शरारतों से भरपूर गुजरा। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई का इतना रुझान नहीं था, तो हॉबीज वगैरह क्या थी? हॉबीज तो हमारी गेम्स थी, डिफरेंट गेम, जैसे हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट का मैं अपनी टीम का कैप्टन था। सैर और तफरीह का शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चाइल्डहुड बड़ी अच्छी गुजरी, बड़ी वो एक सीजन किस्म की चाइल्डहुड थी, जो कि मरहले आज के बच्चों को उस तरह की चाइल्डहुड नहीं है कि हम लोग पैक हो गए हैं ज़्यादातर घरों में और हम लोग हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा ऐप्स के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, बिजनेस में अप्रॉक्सीमेटली कितना अर्सा हुआ है? और देखिए, मैंने 1996 में स्टार्ट लिया था बिजनेस का। शुरू में ही एक तड़प थी, एक जुनून था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। तो लाइफ गुजरती गई, हम डिफरेंट ब्रांड्स में काम करते गए, होलसेलिंग से फिर इंपोर्ट से, पर्टिकुलरली कंट्री वाइड ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स। फिर एंड ऑफ 2012 हमने स्टार्ट लिया एक टर्किश ब्रांड है सिम्बो। तो थ्रू आउट पाकिस्तान हमने उसका काम किया और उसको इंट्रोड्यूस कराया, और इसके साथ साथ चाइनीज़ ब्रांड है जो पर्सनल केयर से रिलेटेड है, उसका हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। प्रीटेक के नाम से है वो, लेडीज़ एंड मेंस की जो ग्रूमिंग की प्रोडक्ट है वो ब्रांड था। तो जब सारे ब्रांड्स हम पहले बाकी मल्टीपल जो जापनीज़ ब्रांड है या फ्रेंच ब्रांड है वो भी सारे करते रहे, बट फाइनली हमें ये महसूस हुआ, इस चीज़ की बड़ी तशनगी थी कि जब सारे मुल्कों के ब्रांड हो सकते हैं और सारे लोग ब्रांड बना सकते हैं, तो क्यों ना एक खालिस्तन पाकिस्तानी ब्रांड की बुनियाद रखी जाए। और फिर बड़े और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रिलियंस का स्टार्ट लिया, और उसका स्लोगन है ब्रिलियंस फॉर ब्रिलियंस। और जो हमारा ये पूरा ब्रांड का लोगो है, लोगों के अंदर हमने पाकिस्तान के झंडे को एक नुमाया हैसियत दी है। ब्रिलियंस के नीचे जो ब्रिलियंस फॉर ब्रिलियंट्स है, उसमें हमने ग्रीन और वाइट का टच दिया जो हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल, हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान की अवाम एक बेहतरीन कौम है, और हमें अगर मौका मिले, हमें ग्रूम होने का, हमें पॉलिश होने का मौका मिले, तो हम दुनिया की किसी भी कौम से ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा, अपने कोई चैलेंजेस दैट यू हैड टू ओवरकम, द स्ट्रगल एंड द चैलेंज व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, शेयर इट। डेफिनेटली, जब आपको आपके ख्वाब सोने ना देना, तो हर दिन में आपको नए से नए चैलेंज आपको आएगा, और चैलेंजेस से प्ले करना इंसान को जो है ना एंजॉय करना चाहिए। और मेरा बिलीव है कि आपका तवक्कल अल्लाह सुभान व तआला पे होना चाहिए,
और फिर बहसियत इंसान जो अल्लाह सुबहाना मताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आप भरपूर मेहनत करें और पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी सच्चाई और लगन के साथ मेहनत करें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि आप सक्सेसफुल ना हो। आपके ख्याल में, इन योर ओपिनियन, व्हाट आर द क्वालिटीज फॉर अ गुड एंटरप्रेन्योर? देखिए, मैं अक्सर जो अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठता भी हूँ लोगों के, तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ कि एक अच्छे बिजनेसमैन असल में एक अच्छा मुसलमान है। एक अच्छा मुसलमान क्या है कि वो सच बोलता है, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को चीट नहीं करता और सबके लिए अच्छी नीयत रखता है। ये हमें हमारा दीन जो है ये दर्श दे रहा है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन असल में एक अच्छा मुसलमान की क्वालिटीज होती हैं कि बिजनेसमैन जो होता है वो एक सीजनड आदमी होता है जिसकी कहीं दिमाग में कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, सारे पॉजिटिव साइन होते हैं और वो उसका एक एम होता है टूवर्ड्स सक्सेस, टूवर्ड्स जर्नी ऑफ सक्सेस, कि जहाँ वो सक्सेस करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकें और अपने मुल्क के लिए टैक्सेस जनरेट करें और जो कम्युनिटी है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है उसको एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करें कि माशरे का एक वो बेहतरीन सपोर्टिव रुकन बन सके। So basically the qualities are honesty and fair playing, कि आप अगर अच्छे मुसलमान हो तो फिर आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो। This is the tip key. Of course, आपको आपके दीन ने जो टीच किया है अगर आप उसको अमली जिंदगी में भी होना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट रिक्वायर दिस थिंग। How would you define success? सक्सेस देखें, ये हर बंदे का एक अपना लेवल है कि वो क्या सोचता है और वो कहाँ जाना चाहता है। और इलॉन मस्क अभी क्या कर रहा है कि वो चांद पर लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या सियारों के ऊपर जमीनें बेचने की कोशिश कर रहे हैं या घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर बंदे के एक ख्वाब है कि उसको कहाँ जाना है, तो ये हर बंदे का अपना लेवल ऑफ सक्सेस है कि वो क्या, उसके लिए level of success kya hai, where you want to go, what you want to achieve, so ye har bande se vary karta hai ke usko kahan jana. So what's yours, how would you define it? Dekhiye, alhamdulillah bhi Allah ki taufeeq se humne apne brand ki ibtida ki hai, abhi within 1.5 years hua hai, but Allah ka lakh lakh shukr hai kyunki hamara ek aim hai ke hamari packaging se leke hamari jo internal product ki quality hai, वो हमारी कोशिश है कि किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड से वो ज़बरदस्त हो। हमारे यहाँ जो एक प्रोडक्ट की एलिगेंसी है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि अपने यूज़र को, अपने बायर को वो अट्रैक्ट करें और फिर फाइनली उसकी क्वालिटी इतनी रॉबेस्ट हो कि जो बंदा ख़रीदे वो उसके पैसों का सही नमूल बदल हो। तो सो अभी तो हम बाहर की मेजर फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे लिए चीज़ें तैयार कर रही हैं, बट इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम यही सारे काम पाकिस्तान में कर सकें। So I asked you what is, how would you define success? So now I want to ask that how long did it take for you to actually achieve it? देखिए, मेरे तो ये 1996 से अभी 2023 चल रहा है, तो एवरी डे देखें इंसान के गोल्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। जैसे पहले कभी बंदा कोई एक छोटी गाड़ी की ख्वाब सोच रहा होता है, एक छोटे घर की ख्वाब सोच रहा होता है, फिर होता है फिर वो किसी बड़ी गाड़ी, फिर गाड़ियाँ, फिर बड़े घर, व्हाटएवर जो भी वो चीज़ें हैं, वो इंसान की ख्वाब जो है वो आगे बढ़ती जाती है। लेकिन व्हाट आई बिलीव, कि मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह से अक्सर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए ना हो, क्योंकि अपने लिए तो सारे परिंदे भी अपने बच्चों को जो है वो फीड करते हैं अपनी चोंच से और जानवर भी उनके लिए अरेंज करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह में तौफीक दे कि हम अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, खुदा की मखलूक के लिए ऐसा काम करें कि जिससे हम अपने रब की रज़ा पाएँ। So, talking about entrepreneurship, what is that one thing जो आपको लगता है कि ये एक सबसे biggest challenge होता है when you step in the field of business,
एक बिगेस्ट चैलेंज दैट यू वुड लाइक टू नेम जो आप भी गुजरे या जो हर एंटरप्रेन्योर जिससे गुजरता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक हमारे यहाँ खासतौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर एक चीज़ है कि आपके गिर्द एक विशियस एक सर्कल है। अब वो सर्कल हर पाकिस्तानी को घेरे हुए है, अगर वो जॉब कर रहा है, अगर वो बिजनेस कर रहा है। अब वो सर्कल को बस्ट कौन करेगा? बस वही करेगा जो अनथक मेहनत करेगा, जो शब और रोज, जिसकी ख्वाब उसको सोने नहीं देंगे और वो तड़प के काम करेगा, तो ही वो, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है, वो तभी उसको बस्ट करेगा जब अनथक मेहनत करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों के पास मौके बड़े कम हैं। आप अमेरिका में चले जाएं, कहा जाता है कि वहां पर पैसे बनाने की जो है ना बड़ी जबरदस्त एनवायरमेंट है। मेरी, चूंकि बाहर के मुल्कों में, बहुत सारे मुल्कों में विजिट्स रहते हैं, मैंने देखा खासतौर पर जो हमारा हमसाया मुल्क है, हालांकि शायद हमारे से थोड़ा बाद वो आजाद हुआ है, लेकिन वहां के जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं या बिजनेसमैन, तो उनके साथ जब मेरी सिटिंग हुई तो मैंने देखा कि वो कोई अकली तौर पर या कोई पढ़ाई में या कोई बहुत हमसे आगे नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनको ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया कि जो हर उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है जो ग्रो करना चाहता है। Now, what is that one advice you would like to give to an entrepreneur watching you right now? देखें, मैं तो यही एडवाइस करना चाहूंगा कि जो मैंने एक अच्छे बिजनेसमैन की बात बताई, जो अच्छे मुसलमान की बात बताई, कि आप हमेशा सच पे बिलीव करें, कि आपने सच पे चलना है, सच के रास्ते पर चलना है, और फिर आपने अनथक मेहनत करनी है, अपने दिन और अपने रात लगाने हैं अपनी ख्वाबों को अचीव करने के, और आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए। हम एज ए पाकिस्तानी नेशन, हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पुरखों ने इस मुल्क की बुनियाद रखी, जनाबे कायद और जनाबे इकबाल ने, उनके अफकार के अंदर इतनी मजबूत हमारी फाउंडेशन और पिलर्स रखे गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वो सबक, वो चीज़ें उस तरह से समझाई नहीं गई, लेकिन अगर हम उनको देखें तो हमारी फाउंडेशन, हमारे जो असास है हमारे मुल्क की, हमारी नेशन की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े ज़बरदस्त और बड़े आसमानों और फलक को छूने वाले ख्यालात और तरक्की के हवाले से उस लेवल पर हमें पहुंचने के लिए बुनियाद से दर्ज दिया गया। और अगर हमारी कौम उनको लेकर चलेगी, हमारे लोग उसको लेकर चलेंगे और सच्चाई और दयानतदारी से अपनी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सके। ये जो माशरे में हमारे फैलती हुई नाइंसाफी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में क्या सोच सकते हैं आप? क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखें, जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर कौल है, और अक्सर वो कौल भी किया जाता है कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन बेइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इंसाफ जो है किसी भी माशरे के अंदर एक बुनियाद है, और हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से ये बहुत ही नापैद है और बहुत ही निचले लेवल पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि हमारे दीन की भी ये बुनियाद है, और किसी भी माशरे की तरक्की के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और सबसे ज़रूरी एलिमेंट होगा कि वहाँ पर माशरे में इंसाफ हो, कि जिन लोगों के अंदर काबिलियत है उनको मौका मिले आगे आने का, और राइट पर्सन राइट प्लेस पर हो। हमारे यहाँ चूंकि जो राइट प्लेस है वहां पर राइट पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारे मुल्क आगे नहीं जा पाता। तो ये बड़ी बुनियाद होगी, बड़ी जरूरी होगा कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ हो, लोगों को बराबर की जो है वो मौके मिले ग्रो करने के लिए। अच्छा, तो अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाए तो क्या करेंगे? एक दिन की हुकूमत में देखें, सबसे पहले तो एक जो बुनियाद है हमारा, यही जो इंसाफ का एक निज़ाम है हमारे मुल्क के अंदर, ऐसी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि ये मुल्क सिर्फ इंसाफ पर चलेगा और हर बंदा बराबर है, चाहे वो किसी पोस्ट पर है, चाहे वो कोई ज़्यादा पैसे वाला है, वो सब बराबर है। अगर हमारे एक मशहूर वाक्य है, एक दफ़ा
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो खलीफतुल मोमिनीन थे, जब काजी की अदालत में एक यहूदी के साथ उनका फैसला आया, तो चूंकि उनके पास सबूत नहीं था तो खलीफतुल मोमिनीन के मुकाबले में एक यहूदी के हक में फैसला कर दिया गया। क्या था कि इस्लाम का एक आदलाना निजाम था, तो मैं यही करूंगा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान में अदल कायम करूंगा। अदल आपकी बुनियाद है, अदल पे कायम होगा आपके हर डिपार्टमेंट सीधा होगा। जब किसी जालिम को, किसी मुजरिम को, किसी ऐसे शख्स को जिसने आपके मुल्क, आपके लोगों के साथ कोई ज्यादती की है, उसको एक निशाने इबरत बनाया जाएगा तो आपके मुल्क से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो ये बुनियाद है, तो मैं यही करूंगा कि मैं सबसे पहले इंसाफ का निजाम, अदल का निजाम पाकिस्तान में कायम करूंगा। रूल ऑफ लॉ पे वर्क करेंगे आप, हुकूमत अगर मिल जाए। आप कह सकते हैं, यू कैन से। सो टॉकिंग अबाउट मीडिया, व्हाट डू यू थिंक, आर यू सेटिस्फाइड विद द रोल ऑफ मीडिया इन आवर सोसाइटी, के मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है ठीक तरीके से या नहीं कर रहा, व्हाट डू यू थिंक? अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमारा मीडिया बदकिस्मती से हमारी ज्यादा चीजों को खराब करने में इसका हाथ है। हालांकि मीडिया हमारा बहुत अच्छे काम कर सकता है, लेकिन वो चूंकि इतना ज्यादा कमर्शलाइज है, इतना ज्यादा कमर्शलाइज है कि उन्होंने अपनी हर लिमिट को छोड़ दी। जैसे आप यूं ले लें कि कौम की तरबियत है, यंगस्टर्स की तरबियत है, बच्चों की तरबियत है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक ये चीज है कि देखें हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और आपकी बुनियाद, आपकी असास में आपके, आपका दीन है। तो वो अगर आप इसके रास्ते पे चलेंगे, आप यहां भी कामयाब हैं, आप उधर भी कामयाब हैं। तो यो हमारा जो मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली वो इस सारी चीजों को ना वो भूल के वो सिर्फ अपने जो एक शॉर्ट मफादात है, मैं समझता हूँ, देखें अगर आपका मुल्क ग्रोथ कर रहा है और उसमें आपके ये मीडिया हाउसेस का बड़ा अच्छा रोल हो सकता है, ये बड़े छोटे फायदे के लिए सोचते हैं। अगर आपको अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी, देखें अल्लाह ने कभी किसी अमीर आदमी को याद नहीं करवाया दुनिया में, किसी बादशाह को याद नहीं करवाया, लेकिन जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियों के अंदर कोई बड़ा काम किया, जैसे ईदी साहब, अब रहती पाकिस्तान की तारीख के अंदर उनका नाम जिंदा रहेगा। कायद आजम थे, कायद आजम रहमतुल्ला, 1500 रुपये उनकी उस टाइम फीस थी जब वो गवर्नर जनरल बने, तो उनकी 1 रुपया उन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की, 1500 रुपये छोड़ के वो 1 रुपये तनख्वाह पर आ गए। तो ये उनका एक मेयार था। तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है काम करने का, तो नहीं सोच सकता, तो फिर हमारे मुल्क का हाल भी इसीलिए ये है ना, क्योंकि हमने सारे अपने विजन्स को छोड़ दिया। लेकिन आप कभी कायद के नाम को फरामोश कर सकते हैं? मैं खुद जब मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी पहली दुआ होती है जनाबे कायद और जनाबे इकबाल के लिए, कि अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए। तो ये कैसे लोगों के दिलों में आपका घर बनेगा जब आप कुछ डिलीवर करेंगे? अपनी जात के लिए आप करते रहे, आप लंदन में महलात बना लें या कहीं और अपनी प्रॉपर्टीज बना लें या मिल्स बना लें, तो वो आपके लिए अकाउंटेबल चीजें नहीं है। आप अपनी कौम पर मेहनत करें, अपने लोगों पर मेहनत करें, अपनी नेशन को उठाने पर मेहनत करें, ये आपकी सक्सेस है। अब हमारा एक सेगमेंट है फॉर क्विक क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होंगे। सो फेवरेट कलर? मेरा कलर तो वैसे ब्लैक है। फेवरेट फूड डिश ऑल टाइम? मुझे गोश्त से रिलेटेड जो डिशेस हैं वो ज्यादा पसंद है। और टू बी पर्टिकुलर, अगर मुझे दम पुख पसंद है, जैसे वो दुम्बे के तिक्के हैं वो पसंद है, ये इस तरह का फूड मुझे ज़्यादा पसंद है। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? फिल्म देखें मैं तो अब फिल्में देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी इंस्पायरिंग कोई और जो व्हिच टच्ड यू? मैं तो देखें या तो मैं कोई वो देखता था एक्शन मूवीज, मैं तो वैन डैम की मूवीज देखता रहा हूँ, डिफरेंट जो उसकी फेमस मूवीज है, ब्लड स्पोर्ट होगी और इस किस्म की जो मूवीज है, या ब्रूस ली की कोई मूवी जूडो कराटे से रिलेटेड। अ पर्सन दैट यू एडमायर? इमरान खान को एडमायर करता हूँ, रियली ही इज अ मैन, ही इज अ मैन विद वंडरफुल क्वालिटीज, विद अ विजन। कभी मैं, हम तो बहुत थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम करते हैं, और हम अक्सर परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं,
और मैं आफरीन कहता हूँ अपने कप्तान पर और अपने कौम की खुशबख्ती समझता हूँ कि हमें ऐसा लीडर मिला और इसके लिए हमने बड़ी दुआएं की। मैंने खुद बहुत अरसा दुआएं की कि अल्लाह हमें दीनदार और दयानतदार क़यादत अता फरमा जिसके पास विजन हो। और खान साहब की पर्सनालिटी एक ऐसी कमाल पर्सनालिटी है कि जिसके पास एक ज़बरदस्त विजन है और वो दुनिया के हर फायदे से मावरा है। तो ऐसी लीडरशिप किस्मत वाली कौमों को मिलती है और हमें बहुत कम वक्त लगेगा कि जब अल्लाह के करम से हम टेक ऑफ कर जाएंगे और आसमानों की बुलंदियों को हमारी कौम और हमारा मुल्क छू रहा होगा इंशाल्लाह बेशक। अच्छा, तो जिंदगी अगर दोबारा मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ पर अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितनी नेमतें उसने अता की हैं वो उसकी बड़ी करमनवाजी। नहीं, लाइक ये कहते हैं ना कि सेकंड चॉइस या ऑप्शन इफ यू वुड वांट टू लिव अनदर लाइफ रादर देन दिस, लाइक एवरीबॉडी इज ग्रेटफुल इनफ अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये कहते हैं ना कि आपका इफ नॉट दिस देन द सेकंड ऑप्शन और अ ड्रीम जो कि ना पूरा हो सके या व्हाटसोएवर सेकंड ऑप्शन पे। नहीं, जब मैं छोटा था तो मेरी ड्रीम थी कि मैं एक फौजी बनूं। लेकिन अल्लाह ताला की मंशा है कि मैं बिजनेस में आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सही प्लेस पर हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके पास इख्तियार होना चाहिए कि आप कुछ कर सकें, मुआशरे के अंदर कुछ डिलीवर कर सकें और अपनी मतलब जो मेरा एक बिलीव है कि देखें अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसने बेपना आपको क्वालिटीज़ दी हैं। और इंसान को अल्लाह ताला ने ना जब पैदा किया तो फरिश्तों को कहा कि आप इनको सजदा करें, तो वो उसका एक मकसद था और वो मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने नीचे भेजने से पहले अल्लाह ताला ने बताया कि ये सबसे मेरी सुप्रीम मखलूक है। अब ये सुप्रीम मखलूक आपको बनाने वाले ने तो बता दिया कि सुप्रीम मखलूक है, लेकिन नाउ अब आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव कि जो आपका मौजूद है जिसने आपको डेवलप किया है बनाया है उसने आपको सुप्रीम बनाया है, बट यू हैव टू प्रूव विद योर क्वालिटीज। आपने सच बोलना है, आपने इखलाक का मुजाहरा करना है, आपने सब्र का ज़ब्त का मुजाहरा करना है और आपने अनथक मेहनत करनी है कि आपका मौशरा, आपका मुल्क, आपके लोग सारे ग्रोथ करें। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? दैट वन मोमेंट। खुशी डिफरेंट ओकेजंस पे डिफरेंट होती रही। लाइक वन ऑफ द मोस्ट, एक जो आपके सबसे यादगार और सबसे हैप्पीएस्ट एंड मेमोरेबल। शायद जब मैंने अपनी पहली नई गाड़ी ली थी तो उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि नहीं मैं छोटा था और मैं अपने वालिद साहब को कहता था कि मुझे साइकिल लेके दें। आई वाज इन फोर्थ क्लास और छोटे थे तो चला भी नहीं सकते थे शायद, लेकिन फोर्थ क्लास में इसके अहल हो गए कि चला सके। तो मुझे मेरे बाबा ने एक साइकिल लेके दी, मुझे याद है, जिसके मॉडी गार्ड जो है वो सिल्वर कलर के थे और बहुत ही खूबसूरत वो साइकिल थी। और मैं एक स्कूल में पढ़ता था सेंट पॉल में, तो मुझे याद है मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने फर्स्ट डे था मेरा उस साइकिल पर स्कूल जाते, तो स्कूल की बिल्डिंग से थोड़ा सा पहले मैं रोड पे आया तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को चुटकी काटी। तो मैं ये समझ रहा था कि कहीं ये मेरी ख्वाब तो नहीं है कि वाकई में मुझे ये साइकिल मिल गई है। तो वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि जब मुझे वो अपनी फर्स्ट जो है वो साइकिल मिली थी टू व्हील वाली। उसका तो एक अलग ही मजा होता है, गाड़ी से ज्यादा होगा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा दुख वाला मोमेंट क्या था? एक अ मोमेंट वेयर यू फेल्ट वीक एंड। देखिए वो मैं कोशिश कर रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, तो मेरी सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाई। मतलब ISB से मैं मतलब नहीं सिलेक्ट हो सका, तो उस टाइम मुझे बड़ा हार्श लगा था, बड़ी तकलीफ हुई थी कि मुझे होना चाहिए। अच्छा, जिंदगी क्या है? How would you define it? सच में आप अगर पूछे तो जिंदगी एक एग्जाम है और एवरी डे आपसे डिफरेंट किस्म के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपसे लिए जा रहे हैं। तो
आप इसको कभी ये बिलीव ना करें कि ये जन्नत है। इधर हर रोज आपके लिए नए नए चैलेंजेस आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी आसानी आएगी, और उनको दलेरी के साथ, उनको अगर खुश उसलूबी के साथ, अल्लाह के तवक्कल के साथ आप लेके चलते जाएंगे तो आप मुतमईन भी रहेंगे और अच्छी लाइफ भी गुजारेंगे। और मौत क्या है? मौत एक हकीकत है जो हम सबको आनी है और उससे कोई बच नहीं सकता, और खुदा करे कि हम उसकी फिक्र भी कर सकें और तैयारी भी कर सकें। और एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँगा कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर से लोगों को थोड़ा अपनी मौत को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर मौत को याद रखेंगे तो शायद वो अपने जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारी कहीं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या बाकी जो इकट्ठे कर रहे हैं, तो शायद उनको ख्याल आए कि सिकंदर आज़म जब मिट्टी के नीचे जाने लगा तो उसने कहा कि लोगों ये देख लो मेरे हाथ खाली हैं और मेरे जेब में भी कुछ नहीं, और कोई भी कुछ लेके नहीं जा सकता। हाँ कि आपके आमाल हैं कि आप साथ क्या लेके जा रहे हैं। winding up sir, जाते जाते, where do you see yourself after 5 years? business जो है ना मेरा passion है, मेरे लिए पैसा कमाना secondary है, but मेरे लिए my honor of my business और जो मेरी success है वो priority है। so मेरी ख्वाहिश है कि जैसे मैंने अपने मुल्क का brand develop किया है, तो अल्लाह हमें तौफीक दें कि विद इन ए कपल ऑफ ईयर्स हम यहाँ पर अपनी चीज़ें बना रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लोगों को और जो पॉलिसी साज हैं उनको भी ये समझ आए कि वो ऐसी पॉलिसीज दें कि चाइना की तरह हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना आसान हो। Your journey was so amazing. आपने अपनी struggle share की हमारे साथ. Thank you so much for coming. It was a pleasure to have you. जाते जाते हमारे viewers को, audience को कुछ कहना चाहिए, कोई message या कोई entrepreneur जिस वक्त आपको देख रहा है उसको क्या आप देना चाहेंगे advice या? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अंत तक मेहनत करनी है। अगर आप student हैं तो जो आपका college है, आपका जो study room है, वो आपका पाकिस्तान है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी टेरिटरी आपकी बिजनेस की टेरिटरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपकी पाकिस्तान है, आपकी टेरिटरी है। सो जहां भी कोई आपके लोग हैं पाकिस्तानी, हमको चाहिए कि दी बेस्ट करें। हमें प्रूव करना है कि हम एक बेहतरीन कौम है और हम एक इमर्जिंग कौम है, और जब हम इन क्वालिटीज को लेके चलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम एक जबरदस्त मुल्क और जबरदस्त कौम बन के दुनिया के नक्शे पे ना उतरे। आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह हमारी नेशन में बहुत दम है, बहुत दम है आगे जाने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान। Don't rush, slow touch, brown and white. I got good country, grab and bite.